नमस्कार। प्राइम टीवी पर श्वेता के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत, जिसमें हम आपको आज रूबरू कराने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो एक प्रोफेसर है, एक राइटर है और एक बहुत ही उम्दा पॉलिटिशियन भी है, जिनके बारे में आपको अगर बताया जाए तो आप जरूर उनको जानते होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इलाहाबाद से बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी। तो आज उनसे ही जानेंगे आज तक के उनके सफर के बारे में। तो चलिए रुक करते हैं रीता बहुगुणा जोशी जी की तरफ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। हमारे शो में, और आज हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं। और ये मेरा एक सपना भी था कि मैं आपका इस तरीके से एक इंटरव्यू, एक स्पेशल इंटरव्यू कर पाऊँ, तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ इस साक्षात्कार के लिए। आपको धन्यवाद। जी जी अच्छा लगा, और आप एक लड़की हैं, स्त्री हैं, जी और अच्छा लग रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। तो आज हम मैम शुरू से शुरू करते हैं आपकी जीवनी के बारे में कि किस तरीके से आपने कैसे क्या चीज़ अपनी शुरुआत की थी। तो सबसे पहले तो मैं आपका ये मैम जानना चाहूँगी कि आपके जब आपका जन्म हुआ, आपका जन्म का जो साल है वो 1949 है, तो उस टाइम पे आपके घर का माहौल कैसा था? क्योंकि वो एक आज़ादी के बाद 2 साल बाद ही आपका जन्म हुआ, देन आपने जब होश संभाला तो किस तरीके का माहौल आपको देखने को मिला? देखिए, मेरे घर का माहौल हमेशा ही कभी भी मतलब लिंग न्यूट्रल था। इसलिए था क्योंकि मेरे नाना बहुत बड़े प्रोफेसर थे और वो हिस्ट्री के प्रोफेसर भी थे, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, बाद में वाइस चांसलर हुए। तो उन्होंने उनके 4 संतानें थी, 3 बेटियां और 1 बेटा, और मेरी माँ जो थी वो दूसरे नंबर पे थी, पहला पुत्र था। लेकिन मेरी माँ बहुत तेज़ थी पढ़ाई में भी ऐसे भी, तो मेरे नाना ने सबसे ज़्यादा शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम और बेस्ट एजुकेशन देने के लिए अपने पुत्र की जगह अपनी पुत्री को चुना था। जी। तो इकलौता लड़का होते हुए भी माँ हमेशा उनकी दुलारी थी। और सन 1936 में उनको उन्होंने एक ब्रिटिश हॉस्टल में डाला, केनविल हॉस्पिटल हॉस्टल मसूरी में, और वो 1944 की पोस्ट ग्रेजुएट थी। जी। और मेरे नाना हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे। तो देखो, माँ से बहुत चलता है। मैं तो हमेशा मानती हूँ कि घर का माहौल और बच्चों का भविष्य बनाने में पिता का परिश्रम लगता है, लेकिन माँ का ही गाइडेंस होता है। तो मेरा घर तो पहले से ही जेंडर न्यूट्रल था। तो मेरा जब जन्म हुआ बड़े रोचक स्थिति में हुआ। माता पिता दोनों थे, पिताजी स्ट्रगलिंग पॉलिटिशियन थे और मेरी माँ भी किसी जॉब में नहीं थी। और मेरा जब जन्म हुआ तो मुझे हॉस्पिटल से निकालने के लिए पैसे नहीं थे। तो मेरे पिताजी वो माँ से सुबह कहें कि आज मौसम ठीक नहीं है, शाम को चलेंगे, आज मुहूर्त ठीक ठीक है, कल चलेंगे, तो समझ गई। तो उन्होंने अपने हाथ की 2 चूड़ियाँ उतारी और पिताजी को दिया कि जॉब बेचो और हॉस्पिटल बिल पे करो, चला जाएगा। तो उस तरह का कि जहाँ घर में एजुकेशन थी, जहाँ मेरे माता पिताजी का अपना एक प्रेम विवाह था, माँ अपने पिताजी से मांग सकती थी लेकिन स्वाभिमान के कारण कि विवाह अपने मन से किया है, तो उनका स्वाभिमान बहुत जागृत था। तो उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं किसी से, पर उन दोनों ने जब अपनी लाइफ हिस्ट्री चलाई तो जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसे लगते ही नहीं था कि भाई सन आप खोज सकती है 50 के दशक में लड़कियों की बहुत ज़्यादा पूछ नहीं होती थी। हम लोग यहाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज है। लेकिन यकीन मानो मुझे कभी 2 चीज़ों का कभी अंतर पता ही नहीं चला, पुत्र पुत्री का, लड़का लड़की का, और दूसरा जात का। मुझे अंदाज ही नहीं था कि जात भी कोई एक विषय एक समाज में होता है। तो एक्चुअली आई वॉज वेरी लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ एक ऐसे परिवार में जन्मी जिस परिवार में राष्ट्रभक्ति भी थी, जिस परिवार में माता पिता दोनों स्वतंत्रता संग्राम के जूझे हुए खड़े होकर तप कर निकले थे, और ऐसा परिवार जिसमें स्वाभिमान भी था, कोई जेंडर भेद नहीं था, लिंग भेद नहीं था और जाति भेद नहीं था। तो आई एम वेरी लक्की। और जब से आँख खुली बस एक ही चीज़ जाना कि अपने लिए तो जीना है, लेकिन साथ ही साथ समाज के लिए भी जीना है। इस माहौल में हम बड़े हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इस तरीके से, क्योंकि उस दौरान जहाँ लड़कियों को कोई दर्जा नहीं दिया जाता था, इवन लड़कियों की पढ़ाई लिखाई तक के लिए अगर ऐसी बातें थी, तो आपको पहले से ही इतना सपोर्ट मिला अपने परिवार का, तो बहुत अच्छी बात है। मैम, आप ये आपकी पढ़ाई कब से शुरू हुई, मतलब क्योंकि वैसे तो आप बता ही रही हैं कि कोई... मैं 4 साल की थी। जी। पिताजी, मैं इलाहाबाद में सेंट मेरीज कॉन्वेंट में मेरी माँ ने मुझे नर्सरी में डाला। जी। फिर पिताजी 57 में मंत्री हो गए। जी। तो हम सब लखनऊ चले गए, वहाँ लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ी।
लेकिन एक बात बताऊँ, स्कूल में ही चूज करती थी। अच्छा। माता जी, मेरी माँ जो थी, मुझे दो तीन जगह बताओ कहाँ पढ़ना चाहती हो। अच्छा। स्कूल ले जाती थी, बिल्डिंग देखी भी, मुझे जी यहाँ पढ़ना है, लड़कियाँ देखी यहाँ पढ़ना है। जी। तो पढ़ाई में हमेशा मेरी चॉइस चली, तो वहाँ पढ़े। फिर हम वापस इलाहाबाद आ गए, पिताजी हर वक्त इस्तीफा ही दे देते थे, किसी बात से गुस्सा हुआ इस्तीफा दे दिया, अब रहने को जगह नहीं, और जिस दिन इस्तीफा देते थे उसी दिन घर खाली कर देते थे। तो हम लोग की पढ़ाई बाधित हो रही थी, तो माँ ने कहा कि अब हम बच्चों के लिए परमानेंटली इलाहाबाद में रहेंगे। तो हम तीनों का फिर 1962 के बाद हमारी पूरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद से हुई, वहीं से यूनिवर्सिटी से पास हुए। बड़े भाई ने लॉ किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, छोटे लिए पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बस जीवन नहीं यहाँ चल पड़ी। मैम, आपने मतलब आपने जैसे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होने के बाद में आपका क्या मतलब आपने डायरेक्टली पॉलिटिक्स में कदम रखा या? नहीं 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 मेरा बचपन से एक एम्बिशन था कि मैं अपने नाना के तेरे एक एजुकेशनलिस्ट बनूँ। और मेरे पिताजी ने और माँ ने बहुत उस तरफ गौर किया, तो नाना जी हम लोग को बैठा के इतिहास की बातें सुनाया करते थे। और उनका बहुत मान था समाज में, बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एक तो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ने विश्व के जाने माने इतिहासकार थे, वो प्रथम डॉक्टर आर पी त्रिपाठी, रामप्रसाद त्रिपाठी, यहाँ हमारे कानपुर के थे, गांव के, तो पहले हिस्टोरियन थे भारतवर्ष के, जिनको कि मध्यकालीन इतिहास में डॉक्टर ऑफ साइंस DSc फ्रॉम लंदन मिला, फर्स्ट डॉक्टर ऑफ साइंस इन हिस्ट्री इन इंडिया। सो मुझे लगता था उनका बड़ा ग्लैमर था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स उनका पैर छूते थे, खूब उनको उनको जिस रेवरेंस के साथ देखते थे। तो मैंने बचपन से मन तय कर लिया था कि मुझे एजुकेशन की लाइन में जाना है, एंड आई वाज ग्रूमिंग माय सेल्फ दैट वे ओनली। सो व्हेन आई पास आउट माय पोस्ट ग्रेजुएशन, तो तुरंत के तुरंत मुझे ऑफर हुआ डिपार्टमेंट में, सेकेंड पोजिशन आई थी, तीन चार वैकेंसीज थी, मेरे से जो सीनियर फर्स्ट आए थे वो NR फारूकी थे, सेकेंड में आई थी, हम दोनों को एडहॉक में ले लिया गया। तो तीन साल एडहॉक में पढ़ाया, फिर 76 में एडवर्टाइजमेंट हुआ, हम लोग रेगुलर हो गए। तो तुम सोच लो 1974 से लेके और 2007, इतने वर्ष मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। तो आपने जो प्रश्न पूछा पॉलिटिक्स, माहौल था, हम चुनाव में कैनवेसिंग भी करते थे पिताजी के, लेकिन मेरी माता पिताजी ने साफ कह दिया था कि पॉलिटिक्स रोजी रोटी नहीं है। और मुझे गर्व इस बात का है कि हम बहुत ही मध्य वर्गीय परिवार थे। पिताजी 1957 में मंत्री हुए, और हमारे पास जब तक हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हमारे घर में गाड़ी नहीं थी, हमारे घर में AC नहीं था, हमारे घर में कूलर भी नहीं था, हमारे घर में डनलप पिलोज नहीं थे, फ्रिज नहीं था, एकदम नॉर्मल हम लोगों को साधारण वो खस की टाट लगती थी, हम लोग गर्मी में उसका पानी पीते थे घड़े का, ये सब चलता रहा। तो वी वर ब्रॉट अप वेरी नॉर्मली। तो उन्होंने कहा अपने पैरों पे खड़े हो। तो देखो भाई बड़ा वकालत में गया, मैं पॉलिटिक्स में, मैं यूनिवर्सिटी की टीचिंग में गई, पॉलिटिक्स तो दूर दूर तक हम लोगों ने व्यक्तिगत नहीं की, लेकिन माहौल था, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, इतिहास की प्रोफेसर थी, तो टुडेज पॉलिटिक्स इज टुमारोज हिस्ट्री। तो आई हैड अ गुड नॉलेज ऑफ ट्रेंड्स, पॉलिटिकल ट्रेंड्स, क्या राजनीतिक धाराएं होती हैं, कैसे चलता है, तो खून में तो था, स्वभाव में भी था। पर पिताजी की 89 में मृत्यु हुई, उसके पहले तक हम किसी राजनीतिक दल के प्रारंभिक सदस्य भी नहीं थे, मैं तीनों भाई बहन, उन्होंने हमें राजनीति में आने का वो नहीं दिया। एंड इट इज़ ट्रू, सोचो अगर हम पहले से राजनीति करते हम खाते क्या, क्योंकि हमारे परिवार में तो एक चीज़ थी कि भाई जो कुछ करना है अपनी बुद्धि से कमाना है। तो वी आर लकी, मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे, मैं पब्लिक सेक्टर में, मैं टीचर थी, तो अच्छी निकल ली। फिर उसके बाद 95 में पहली बार, मैंने बस 44 ईयर्स, 44-45 साल की हो गई थी, तब मैं पहला चुनाव लड़ी। उसके पहले माँ ने मुझसे ये कहा 74 में, मैंने कहा कि अब क्या करोगी। मैंने कहा क्या करूँगी, अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँगी और क्या करोगी। मैंने कहा बहुत पढ़ के रीडर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, क्या सब कुछ करोगी, कुछ समाज के लिए भी करोगी। अच्छा। तब उन्होंने मुझसे कहा कि महात्मा कहते थे कि जिस काम में समाज की सेवा ना हो, ठीक है तुम पढ़ा रही हो, लेकिन गिव बैक टू द सोसाइटी व्हाट इट हैज गिवन यू, कुछ वापस भी करो, तो समाज सेवा में तुम जाओ। मुझे उन्होंने गोट किया, महिलाओं के लिए काम करो, ये महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं। तो मैं पे कई महिला संस्थाओं की सदस्य बनी, और मुझे गर्व है कि 20 वर्षों तक मैंने महिला आंदोलन में बहुत काम किया।
अश्लील साहित्य के खिलाफ किया, महिला उत्पीड़न के खिलाफ किया, मुकदमे किए लोगों के लिए, धरने प्रदर्शन, आवाज़ बुलंद करना, बहुत काम किया। तो मेरी पहचान प्रयागराज में बहुगुणा जी की बेटी की तो थी ही थी, पर एक अच्छी टीचर और एक संवेदनशील एक्टिविस्ट, वुमेन एक्टिविस्ट, उस तरह मेरी पहचान बनी। तभी तुम सोचो 95 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ी, पिताजी को गए हुए 6 वर्ष हो गए थे, माँ पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुकी थी, और मैं स्वतंत्र लड़ गई मेयर का चुनाव, डायरेक्ट चुनाव था पहली बार, 74वां संशोधन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, और मैं 50,000 वोट से जीत गई। मेरे सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी को 80,000 मिला, मुझे 1,37,000 वोट मिला। तब मुझे लगा कि सिर्फ राजनीतिक झंडा पकड़ने से आप चुनाव नहीं जीतते, यदि आपकी अपनी पहचान किसी भी फील्ड में हो और जनता को आप पे विश्वास हो, तो आप बिना पॉलिटिक्स में आए भी आप चुनाव जीत सकते। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बस ऐसे ही हुआ। नहीं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना सडनली आप पहले प्रोफेसर थी और सडनली एकदम से इस पे जाना, पॉलिटिक्स में जाना, एक अलग। हाँ, इसके लिए मैं कहूँगी, अगर आरक्षण ना आया होता, महिला महिला आरक्षण ना होता, अगर 95 में प्रयागराज की, अलाहाबाद जो पहले था, उसकी अगर सीट महिला नहीं होती तो सब तरफ से आवाज़ भी ना उठती, दीदी लड़ो दीदी, प्रॉपरली नोन एज दीदी, पिताजी बाबूजी थे, मेरी माँ को तो मम्मी बोलते थे, तो हम दीदी हो गए, दीदी लड़ो और हम भी खड़े हो गए। अब बड़े बड़े पूंजीपति खड़े थे, हमारे उनकी पत्नियाँ खड़ी थी, लेकिन हमको बड़े आराम से जिता दिया जनता ने। तो एक्चुअली दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, जहाँ मुझे समझ में आया कि मेरे पिता के पास कुछ नहीं था, जो इलाहाबाद आए साधारण पर गाँव किससे आए और कितनी ऊंचाई पकड़ी, इसी प्रयागराज ने सर माथे बिठाया, सिर्फ उनकी कृतियों की वजह से ना। तो जो लोग सोचते हैं कि पैसे से, बल से, धन से, या फिर अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप कुछ बन सकते हो, ये चीज़ें आपकी मदद तो कर सकती हैं, लेकिन अगर आपका पसीना ना बहाओ, अगर आपने ईमानदारी से काम ना किया हो, अगर जनता को आप पे विश्वास ना हो, तो आप राजनीति में बहुत दिन तक टिकते नहीं हैं। ये बात समझ लो। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने उसके बाद मतलब उसी दौरान आपने कुछ किताबें भी लिखी थी, आपने कुछ हिस्ट्री इतिहास पे, इतिहास पे लिखा है, तो मैंने 2-3 बार किताबें लिखी। तो मैंने मेरा था, एक तो रिसर्च थी मेरी कि जो अफगान नोबिलिटी थी भारतवर्ष में उसका क्या क्या काम था। फिर मैंने एक 17वीं शताब्दी के पोलिटिकल ट्रेंड्स इन द 18th सेंचुरी वो लिखी थी, और एक मैंने अपनी पिताजी की बायोग्राफी, उनकी जीवनी, जो कि वास्तव में पूरा पॉलिटिकल ट्रेंड्स को लपेटते हुए 1989 तक का इतिहास है। और अब मैं लेटेस्ट एक किताब पे काम कर रही हूँ, वो 1990 से 2020 तक सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल ट्रेंड्स, उस पर मैं आजकल काम कर रही हूँ। तो ये अच्छा है, मतलब आप अभी अपने जो लेखन वाला आपका जो काम है वो निरंतर मतलब चलता ही रहता है? चलता नहीं, निरंतर तो बहुत नहीं चला। जब मैं कांग्रेस में थी तो मैं मालूम है कितनी मेहनत पड़ती थी और हर रोज़ ट्रैवल करो, तो 7-8 साल तो मैं इस तरह की एकेडमिक एक्टिविटी से बिल्कुल कटी हुई थी, बिकॉज मेहनत बहुत करनी पड़ रही थी राजनीतिक क्षेत्र में। लेकिन अब मुझे पिछले 4-5 साल से थोड़ा आराम है, मिनिस्ट्री छोड़ने के बाद तो और भी आराम हो गया, तो पिछले 3-4 सालों से फिर अच्छे से पिकअप हो रहा है। जी, अच्छा, ये आपका जैसे सब्जेक्ट हमेशा इतिहास और इस तरीके से रहा है, उसी वजह से आपको पॉलिटिकल थोड़ा नॉलेज रहा, या आपने इसके रिगार्डिंग कुछ अलग से ही कुछ प्रिपेयर किया, या आपके पिताजी ने इसके रिगार्डिंग पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग कोई आपको ये ज्ञान दिया? इसका ज्ञान तो देखिए होता है, आप अपने ज्ञान या तो किताबों से मिलता है या ऑब्जर्वेशन से मिलता है। आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है वही तो आपको इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो मैंने तो इतनी मतलब पिताजी को स्ट्रगल करते भी देखा, मंत्री बने भी देखा, राष्ट्रीय नेता बनते भी देखा, संघर्ष करते भी देखा, कभी अपने आदर्शों से पीछे नहीं हटना। जहाँ उनको लगता था कि यहाँ मेरे आदर्शों के रोड़े में आ रहा है, तुरंत अपना रास्ता बदल देते थे। लेकिन मैंने उनको बहुत ही सजग, एक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत नेता के रूप में देखा, और बहुत सेल्फलेस। आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति करीब करीब 20 साल मंत्री रहा हो ऑफ एंड ऑन, जो खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाता हो, वो एक बीता जमीन अपने परिवार के लिए छोड़ के ना जाए, कोई प्रोफेशन छोड़ के ना जाए, और अंत में अपने बेटे की खरीदी भी गाड़ी में घुमा हो, और 2 कमरे का फ्लैट जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर उनको दिल्ली में मिला था,
वही जो जो कि आपसे जो लोअर डिवीजन क्लर्क्स को मिलता है, दो कमरे के घर में जीवन बिता अंत किया हो, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या फील करोगे? यू फील प्राउड, मुझे तो गर्व का एहसास होता है। तो हमारे माता पिता ने हमारी ग्रूमिंग बहुत अच्छी की, हमें दिशा सही पकड़ाई। यहाँ माँ पिताजी का रोल होता है। जी, जी, अगर हम बचपन से ही नेता के बच्चे हैं, हमारे मंत्री की संतान हैं, सब कुछ आराम से प्लेट पे मिल रहा है, तो हम आज यहाँ नहीं होते जहाँ हैं। हमने अपने संघर्षों से समाज में जगह बनाई, अपने संघर्षों से पिता का नाम सम्मान से आज भी लोग लेते हैं। ये नहीं कहते अरे ये तो भगना की बेटी, गलत है, तो देते हैं। मैं देखे कितने कितनी ऊंचाइयाँ प्राप्त कर ली, मेयर भी हो गई, विधायक भी हो गई, सांसद भी हो गई, मंत्री भी हो गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की सलाहकार भी हो ली, बड़ा भाई लॉयर हो लिया, जज हो लिया, MP हो लिया, मुख्यमंत्री हो लिए। तो कहीं ना कहीं माँ पिताजी की गाइडेंस रही ना, जो देखा वो किया। अब पढ़ते तो थे ही, आज जो भी पढ़ रहे हो तुम, कल तो इतिहास हो जाएगा ना। तो हम लोगों को बहुत आइडिया, बड़े बड़े नेताओं को घर में आते देखना, पिताजी की सारी गतिविधियों को देखना, एक थोड़ी सी लेफ्ट ऑफ सेंटर की आइडियोलॉजी थी उनकी, पक्के कांग्रेसी थे, लेकिन कांग्रेस एक वो कोई पार्टी नहीं मानते थे, वो एक सोच मानते थे उसको, और वो सोच यही थी कि राष्ट्र के लिए समर्पित रहो। तो मेरे ख्याल से एक नेहरू गांधी फ्रेमवर्क में उन्होंने हमेशा काम किया। गांधी जी के बड़े अनुयायी थे, मेरी माँ बड़ी तेज थी, वो तो सुभाष चंद्र बोस की अनुयायी थी, अक्सर उन दोनों में काफ़ी डिबेट होती थी, एंड दे वर बोथ वेल रेड और एजुकेशन से, एंड दे वर फ्रेंड्स। तभी उनकी प्रेम विवाह हुआ उनका, तो बड़ा मज़ा आता था, खूब उनमें वाद विवाद होता था। तो मेरी मदद थोड़ी रेवोल्यूशनरी मेंटालिटी की थी, और बड़ी ऊँचाइयाँ उन्होंने भी पाई। आप सोचिए इलाहाबाद में वो कांग्रेस पार्टी की 14 साल अध्यक्ष ही निर्वाचित, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी के पूरे कार्यकाल में शी वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, और फिर वो प्रथम महिला जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की, पहली वही थी। PCS में सवाल उठता था, वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड, प्रथम निर्वाचित महिला जिला पंचायत की अध्यक्ष कौन थी? कमला बहुगुणा। फिर वो सांसद भी, तो कमला बहुगुणा खुद भी वास्तव में अपने आप में शख्सियत थी। मैं अक्सर मजाक में कहती थी पापा को कि अगर माँ ने आपसे विवाह ना किया होता तो ये मंत्री होती केंद्र में। क्योंकि बहुत तेज थी, अच्छा। बहुत अच्छा बोलती थी, बहुत नॉलेजेबल थी। तो हम लोग सब भाग्यशाली, हमको सब कुछ मिला, परिश्रम देखा, ईमानदारी देखी, निष्ठा देखी, राष्ट्रभक्ति देखी, सादगी देखी। तो ये दिस वर माय पेरेंट्स, दोनों ने खादी के अलावा कुछ पहना नहीं। और मेरी माँ को इतनी बड़े प्रोफेसर की बेटी थी, जब इलाहाबाद में सिर्फ चार पहिया गाड़ी होती थी तो एक मेरे नाना की थी, और बिना जॉर्जेट के कभी जो यूनिवर्सिटी ना गया हो, वेरी वेल ग्रूम्ड। और उन्होंने ज़िंदगी भर दो चप्पल और चार छः साड़ियाँ, इससे ज़्यादा हमने कभी देखा ही नहीं अपनी माँ के पास। हम थोड़ा बिगड़ गए, लेकिन माँ तो ऐसी बहुत बहुत अच्छी थी। अच्छा, आपकी शुरुआत पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1995 में हुई, जब आप मेयर बनी पहली बार। पॉलिटिकल आप कैसे थी? इलेक्टोरल, चुनावी राजनीति। जी, चुनावी राजनीति। वैसे तो मैं थोड़ा 91-92 में भी थोड़ा सक्रिय हो गई थी महिला आंदोलन में, पर वो राजनीति नहीं कह सकते। कांग्रेस में शामिल हुई थी 92 में एज ए सदस्य के रूप में, 93 में उन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में बनाया उपाध्यक्ष। तो पर मेरा बहुत ज़्यादा कोई भूमिका राजनीतिक नहीं थी जी, असली तो शुरू 95 से हुई जी। हाँ, नहीं तो वही है, मतलब आपका पहला एक तरीके से, अगर हम एकदम ऑन स्क्रीन एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑन स्क्रीन, जब आप पॉलिटिकल की ऑन स्क्रीन में रहीं, तो वो 1995 से ही आप रहीं। और बाकी ये था कि जिस टाइम आप पहली, आप क्योंकि आप पहली महिला होने के नाते, जब आप पहली महिला थी, तो बहुत लोगों ने हमेशा ये होता है ना कि जब भी कोई महिला ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे आती है तो बहुत सारी अवहेलना भी हुई होगी, और आप कईयों ने आपकी सराहना भी की होगी, तो वो क्या रही आपके साथ, मतलब दोनों चीज़ें? हाँ, जब मैं पहली बार मैंने कुर्सी पे बैठी तो मैं पहली महिला महापौर प्रयागराज की बनी, इलाहाबाद की। तो जो अधिकारी थे थोड़ा अनकस महसूस करते थे कि भाई हमको महिला से ऑर्डर लेना पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ एडवांटेज ये था कि मैं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी थी, तो बहुत मेरे पढ़ाए हुए लड़के लड़कियां, बड़े बैचेस निकल चुके थे 20 साल, तो मेरा नाम तो था ही, महिला आंदोलन से भी था, तो सब ये जानते थे अधिकारी कि ये पढ़ी लिखी जानकार महिला हैं, ये कोई सिर्फ इसलिए नहीं बैठी कि किसी की बेटी या किसी की पत्नी है, या इसलिए बैठी है कि इनकी अपनी शख्सियत है।
तो मुझे 4-6 दिन तो दिक्कत आई, फिर सब लाइन पे आ गए, समझ गए कि बिकॉज आई हैड बेटर अंडरस्टैंडिंग देन दे हैड, वो अपने सब्जेक्ट को मुझसे नहीं ज़्यादा जानते थे, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हमारे साथ जो पार्षद जीत के लड़कियाँ आईं पहली बार, तो 22-24 थी मेरे ख्याल से पार्षद, 1/3, तो वो बहुत डरी से मी रहती थी क्योंकि वो पोलिटिकल बैकग्राउंड से कम थी। वहाँ तो आप जानती हैं शुरू में फर्स्ट राउंड था चुनाव का, तो मैंने मन बना लिया था कि हर 2 पुरुष के बाद मैं एक महिला पार्षद को सदन में बोलने के लिए खड़ा करूँगी। तो जब सदन का टाइम आता था तो मैं पहले बोल देती कि भाई इस बार ये तुम 10 को बोलना है, तो फिर वो फिर तैयार होकर आती थी। जब वो बोलने लगी शुरू में लड़खड़ाती थी, घबराती थी, लेकिन फिर जब 5 साल के बाद खूब निखर कर लड़कियाँ वहाँ से, महिलाएं खूब बोलकर बोलना सीख कर निकली, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ। तो यही ज़रूरी है, जैसे आज आप जर्नलिस्ट हो, सब आदमी ऐसे इंटरव्यू नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप किसी को मोटिवेट करेंगी, कह रहे मुश्किल नहीं है, तो वो मोटिवेट होगी आपको देखकर। ये दिस इज़ आवर ड्यूटी। आज भी महिलाएं, लड़कियां अपने आप को द्वयम समझती हैं, उन्हें लगता है कि हमारे समाज में हमारा स्थान वो नहीं है जो मेरे भाई का, पिता का, अन्य का है, बेटे का है। तो उन्हें विश्वास दिलाना होगा, आत्मविश्वास कि तुम इंसान हो और आप में वो काबिलियत है, सब काबिलियत है जो किसी एक अन्य में हो सकती है, पुरुष में। आप अपने एम्बिशंस को अचीव करने के लिए रास्ते बनाओ। अब ऐसा ना हो कि हमें कुछ आता नहीं लेकिन हम सब कुछ बनना चाहें, स्ट्रगल करिए, पढ़िए, अपना अनुभव करिए, लेकिन अपने आप को उस काबिल बनाइए। यही मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि देखो तुम जब पहुँच गई, अब तुम्हारा काम है हाथ नीचे करके जो नीचे उनको खींच के ऊपर लाना। तो महिलाओं को प्रतिद्वंदिता नहीं करनी चाहिए आपस में, अगर कोई ऊपर पहुंच गई है तो उसकी तारीफ करो, प्रशंसा करो और उसके तरह बनने की, उसी की तरह आगे बढ़ने की कोशिश करो। अलग अलग विधाएं हैं, आपके अलग अलग आइडियल हो सकते हैं, आप राज्य में आपको पोलिटिकल आइडियल हो सकता है, आप पढ़ने लिखने में तो आपका कोई टीचर आपका हो सकता है, सोशल एक्टिविस्ट हैं तो आप अपना आइडियल खुद चुनिए और आगे बढ़िए। अच्छा मैम, ये हाँ कि आपके, क्योंकि पिताजी और आपके माताजी मतलब ये गांधी परिवार से जुड़े हुए थे और उनके साथ में बहुत सारे उन्होंने एक्टिविटीज़ की थी, तो इस वजह से आप भी कांग्रेस से जुड़ी थी, तो वहाँ पर आपका कैसा रहा सफ़र? आप क्योंकि बहुत लंबे समय तक वहाँ पर रही। नहीं, काफ़ी सीखा राजनीतिक, सच पूछिए तो मेरा सफ़र प्रॉपर पोलिटिकल कांग्रेस पार्टी से ही शुरू हुआ। और मैं तो वो आदर्शों को लेकर बड़ी जो मेरे माँ पिताजी ने मुझे दिए थे, जो कांग्रेस के बारे में मैंने पढ़ा था, जो देखा था, लेकिन जैसे 90 के दशक में पॉलिटिक्स का काफ़ी ट्रेंड बदलने लगा और सन 2000 के बाद तो और भी ज़्यादा बदला, संघर्षशील हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी, पहले कांग्रेस का वर्चस्व पूरे देश में था, फिर क्षेत्रीय पार्टियाँ उभरने लगीं, क्षेत्रीय पार्टियाँ राष्ट्रीय स्तर पर, अभी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ पहले थी, वो मुकाबला नहीं कर पा रही थी, अटल जी के आने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी और कड़ी हो गई, तो विकल्प लोगों को मिलने लगे। जब विकल्प मिलने लगे तो कांग्रेस की जो कमियां थी वो काफ़ी उजागर होने लगी। सबसे बड़ा नुकसान जो कांग्रेस को हुआ और जो मैंने अनुभव किया, जो मुझसे मैं भी नाराज़ थी, कि जब भ्रष्टाचार के आरोप पार्टी पे लगे, देखिए कोलेशन गवर्नमेंट बनी 2004 में और कोलेशन सरकार में, संबित सरकार में बहुत सारी पार्टियाँ थी, क्षेत्रीय पार्टियाँ भी थी, तो जो मंत्री बनते थे उन्होंने काफ़ी गलत काम किए लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई। कांग्रेस ने सोचा सत्ता ही सब कुछ है। अब फिर 2009 के बाद इतने बड़े बड़े स्कैम्स का खुलासा हुआ और ना तो उस पर कोई एक्शन लिया गया पार्टी के अंदर से और ना ही उसको स्वीकार किया गया। देखिए, आँख बंद कर लेके अस्वीकार करके स्थिति को आप जनता को बहुत दिनों तक गुमराह नहीं कर सकते। अगर हेड ऑन बात करते कि हाँ आपने भ्रष्टाचार, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ जबकि हुआ, तो मुझे लगता है कि मैंने सीखा ये कि और देखा कि पार्टी कमज़ोर हो गई और कमज़ोर होने का कारण ये भी रहा कि कार्यकर्ताओं के बजाय इट बिकम ए लीडर ओरिएंटेड पार्टी। यहाँ नेता ही सब कुछ है, नेता ही चुनाव जिताएगा, नेता ही काम करेगा, नेता ही सब दुरुस्त कर देगा। कार्यकर्ता का जो सम्मान होना चाहिए था नहीं हुआ, कार्यकर्ता को जो हक मिलना चाहिए था नहीं हुआ, नए कार्यकर्ता तैयार नहीं किए गए, नए नेता तैयार नहीं किए गए। अब आप खुद ही सोच लीजिए 70-80-90 के दशक में जितने महत्वपूर्ण नाम थे, एक एक
जो थोड़ा सा पनपता था उसको किनारे कर दिया जाता था। तो 2000 आते आते कांग्रेस में उस तरह का स्टॉलवर्ड्स जिनको कहते हैं कि पॉलिटिशियंस, राजनेता जिनका अपना खुद का कद हो, वो समाप्त हो गए थे। तो वही मैंने देखा कि इस पार्टी में, क्योंकि हर स्तर पे अच्छे काडर की कमी हो गई थी, तो इसका डूम होना ही होना था। और हम लोग कुछ कहते थे तो उसको ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती थी। लहर में चुनाव हो जाएगा, कभी इंदिरा जी के नाम पे चुनाव हो जाएगा, फिर राजीव जी के नाम पे चुनाव हो जाएगा, फिर सोनिया जी के नाम पे चुनाव हो जाएगा, फिर राहुल जी के नाम पे चुनाव हो जाएगा। काफ़ी दिन तो चल गया, परंतु तत्व कोलैप्स हो गया। ये मेरा अनुभव रहा, लेकिन मैंने सीखा बहुत लोगों से, मेरा संवाद लोगों से, कनेक्टिविटी, पूरे प्रदेश को समझना, क्योंकि कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है प्रदेश का, 825 लगभग उस समय थे, जिसमें मैं दो बार तीन बार ना गई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी फील एकदम ग्राउंड लेवल की, मुझे बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई, वो मेरा एक। और दूसरा पे महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर मुझे पूरे देश का भ्रमण करने का मौका मिला, महिलाओं की स्थितियों को जानने का मौका मिला, महिला आरक्षण के लिए लड़ने का मौका मिला, महिलाओं के विषयों को उठाने का अवसर मिला। तो काफ़ी कुछ मैंने सीखा उस दौर में, बहुत कुछ सीखा। अच्छा, आप अभी जो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस डे बाय डे मतलब डाउन होती जा रही थी, जिस वजह से आप मतलब ये था कि प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं हो रहा था, तो आपका कांग्रेस क्विट करने का रीज़न ये था, या मतलब आप दो साल आप इलेक्शन भी लड़ी थी, आप उसमें आप नहीं जीत पाई थी उस वजह से? बेटा ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जब मैं चुनाव लड़ती हूँ तो मुझे मालूम रहता था मैं किस पोजीशन पे आऊँगी। 95 में लड़ी थी, मुझे मालूम था मैं जीतूँगी। फिर मुझे पार्लियामेंट लड़ाया गया मुरली मनोहर जोशी जी के खिलाफ, जानती थी जीतना संभव नहीं। एक पार्लियामेंट सुल्तानपुर से लड़ी, जहाँ मैं कभी गई नहीं थी, और वो DB राय वहाँ का वो व्यक्ति था, जब मंदिर ढहाया जा रहा था तो उसको कहा गया था आगे बढ़ने के लिए, पर उसने कहा कि मैं लोगों पे गोली नहीं चलाऊंगा। तो बड़ा लोकप्रिय व्यक्ति था, दो बार का सांसद था। मुझे उम्मीद थी मैं जीत सकती हूँ, लेकिन आके चलते थे जातिवादी समीकरण, वहाँ बहुत गड़बड़ा गया। हम जात पर हमारी होती नहीं, हम लोग तो जात पर कभी लड़े नहीं, वो भी हमको मालूम था नहीं जीतेंगे। फिर हमको मुरली मनोहर जोशी जी से लड़ाया गया, फिर राजनाथ सिंह जी से लड़ाया गया। तो वास्तव में लड़ाया जाता था उन लोगों को टक्कर देने के लिए, तो उस टक्कर देने में मेरा तो नुकसान नहीं बना, वो तो स्थापित राष्ट्रीय नेता थे, मेरा भी कद बढ़ गया। तो मैं इसमें लिए भी लड़ती थी कि एक तो पार्टी का आदेश, मैं पार्टी के लिए, देखो जो पार्टी कहती है मैं बहुत ही अनुशासित हूँ। मैं यहाँ मंत्री थी 2017 में, मुझसे कहा जाओ पार्लियामेंट लड़ो, मैं चली गई। कोई और होता कहता मुझे नहीं लड़ना, मैंने टिकट तो मांगा नहीं था। लेकिन पार्टी का अगर आदेश हो जाए, इस्तीफा दे दो, हम दे देंगे। तो उसमें ये हुआ कि 2012 का जब मैं चुनाव लड़ी विधानसभा का, मुझे मालूम था मैं जीतूंगी। और तुम सोच लो, मैं कांग्रेस से लड़ी और मैं पूरे लखनऊ मंडल, जिसमें 6 जनपद आते हैं या 5 आते हैं, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, 6, सीतापुर और हरदोई, 6 जनपदों में कांग्रेस का एक ही व्यक्ति जीता उम्मीदवार, और वो मैं थी। और वो भी लखनऊ से जीती, कैंट क्षेत्र से जीती, जिसको कहते थे कि BJP का गढ़ है। फिर वही बात आ जाती है कि मुझे पता था मैं जीत गई, मैं 2017 में भी जीत जाती, लेकिन 2017 में विषय अलग था। विषय यह था कि उत्तर प्रदेश में क्या सपा बसपा का ही राज चलेगा। 2007 से 12 बसपा लूट दिया देश को, प्रदेश को। 12 से 17 फिर कितने स्कैम हुए, कोई नौकरी रोजगार नहीं, जहाँ जाओ वहीं पैसे से सब काम हो रहा था। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे तय करना था कि राष्ट्रीय पार्टी कौन सी हो। कांग्रेस ने क्या किया, इंडिकेशन, मैं प्रदेश में बड़ी नेता थी, मुझे अंदाज हो गया था कि ये समझौता कर लेंगे, या तो समाजवादी के साथ या बसपा के साथ। फिर वही बात हो गई, द्वयम रोल पे आ गए। राहुल गांधी जी का कोई डायरेक्शन ही समझ में नहीं आता था। राहुल जी आपसे खुश हैं तो आपको आसमान में बिठा देंगे, आपसे नाराज हैं तो पाताल में घुसेड़ देंगे। कोई स्टेबल पॉलिटिकल थॉट नहीं। तो पॉलिटिक्स में कैसे सबको लेकर चलना, ये हुनर उनको आज तक नहीं आया। देखिए पंजाब में क्या हो रहा है, ये हुनर उनको आता नहीं है। तब मुझे लगा उन दिनों मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, मोदी जी ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्थान बना लिया था, उनके करीब 3 साल शासन के हो भी गए थे, एक भी उंगली करप्शन की उठ नहीं रही थी। बहुत विचार करने के बाद, और बहुत सारे निमंत्रण भी मुझको BJP से मिले कि आप आ जाइए,
तब मुझे लगा अगर यूपी में एक राष्ट्रीय पार्टी कोई आ सकती है तो वो बीजेपी है, कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। कांग्रेस से कोशिश भी नहीं कर रही थी, उसका संगठन भी यहाँ बहुत कमज़ोर हो चुका था। तो इट वॉज़ अ चॉइस बिटवीन अ रीजनल पार्टी एंड अ नेशनल पार्टी कि आप राष्ट्रीय दल के साथ रहोगे या आप एक क्षेत्रीय दल में के साथ रहेंगे। मैंने राष्ट्रीय दल चुना, तो बेसिक इंटेंशन वही था कि किसी तरह यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो शासन का तरीका है वो बदले, सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों में और पैसे से और ठेकेदारों की राजनीति ना हो, जाति की राजनीति मात्र ना हो, एक सर्वव्यापी राजनीति हो। और लोगों को नरेंद्र मोदी जी में विश्वास था तो फिर मैंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। अच्छा, हम एक आपसे जानना चाहेंगे कि एक 2009 का मुद्दा है जो उस टाइम पे एक मुख्यमंत्री थी, तो उसमें ये था कि आपने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी एक की थी, तो वो कितना मतलब सही है? उसके लिए आपको शायद आपको पनिश भी किया गया था, तो ये देखिए नहीं मामला पनिश नहीं किया था, मुझे अरेस्ट किया गया था। पनिश करने का तो अधिकार किसी राजनेता को नहीं है, मतलब वो तो आप कोर्ट कर सकता है आपको। लेकिन देखिए वो थोड़ा सा मेरे मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव से ही नहीं आया। अगर मेरा पूरा अनएडिटेड बयान आता तो वो अलग था, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगी। लेकिन उसको बिना समझे बिना देखे अगर मुख्यमंत्री ये देख कहती कि भाई मुझे पूरा लाओ इंटरव्यू उसका, पूरा भाषण सुनाओ, तो समझ जाती है भाषण उनके लिए नहीं था मात्र, वो एक जनरल कमेंट था। कमेंट ये नहीं था कि इनके इनका है। बहरहाल हमको उन्होंने अरेस्ट किया, अरेस्ट करके डाला। अब अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग केस होता उनका तो मैजिस्ट्रेट मुझको क्यों दे देते बेल। उन्होंने मुझे बेल दिया और मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने फिर मतलब मुख्यमंत्री होते हुए एक नेता का जो कि प्रदेश का अध्यक्ष हो उसका घर जलवा देना। मेरी जो सेविका थी जो मेरे साथ बचपन मेरे बेटे का जब जन्म हुआ था तब आई थी, वो मरते मरते बची, अलमारी के पीछे ना छुप गई होती तो घर में आग लगा दी थी, उन लोगों ने उसको खींच के मार दिए होते। मेरे नौकरों को उठा ले गई पुलिस, पुलिस मिल गई। जहाँ पुलिस शासन के कहने से गलत काम करे, आपने मुझे जेल में डाला था, आप मुझ पर मुकदमा डालते, आपने मेरे घर में आग लगाई, वो भी घर मेरा नहीं था, मैं किराए के घर में रहती थी, तो वो मेरे ख्याल से बहुत गलत एक प्रदर्शन अपनी सत्ता का एक मुख्यमंत्री ने किया। तो जब उनको बुरा लगता था, जब उनको गेस्ट हाउस कांड हुआ तो मायावती का कहना था कि मेरे साथ गुंडई हुई, आपने क्या किया मेरे साथ? उनकी पार्टी में तो मेरे साथ गुंडई करी जबकि वो सत्ता में थी। तो आदमी अपने अनुभव से भी अगर सीखे ना तो उसको क्या कहेंगे आप। तो मैं जेल 4 दिन रही, फिर मुझे बेल मिला। लेकिन कष्ट इस बात का है कि सरकारें बदली, बसपा से सपा आई, सपा से भाजपा की सरकार आई, लेकिन मेरे केस में प्रगति नहीं हुई। मेरे जो हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था पूरी प्रोसीडिंग्स, मुझ पे SC ST एक्ट लगा दिया था, उस लड़की पे जिसने आपसे अभी कहा महिला कि हम जब जन्म हुए तो हमको लिंग भेद और जाति भेद का कोई अंतर ही नहीं मालूम था, उस पर आपने SC ST लगाया, जबकि पूरा जीवन हमने मेरे माता ने पिता ने हमने गरीबों के लिए काम किया। तो इसलिए मैं समझती हूँ मेरे साथ बहुत अन्याय उन्होंने किया था। लेकिन जो घर जलाया, लोग मरते मरते बचे, उस पर आज तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तभी हिम्मत बढ़ती है लोगों की, जो लोग थे उनमें से एक हाथ को कभी मंत्री बना दिया था मायावती जी ने, MLC बना दिया था, सपा की सरकार आई, मैं गुहार लगाती रही, मैं विधायक थी, केस ओपन नहीं, आज भी नहीं हुआ, आज भी नहीं। हाँ, पुलिस वालों को छोड़ दिया गया, जिन पुलिस वालों ने कांड किया उन पुलिस वालों का, और CID ने कहा कि इन पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस हकमा है। तो आप सोच लीजिए कितने साल हो गए, 12-14 साल हो गए केस वहीं का वहीं लटका है। मैंने भी कम मन से छोड़ दिया कि जान, तो अभी आपने, अब तो आपकी सरकार है तो अब आपने उसमें सरकार से ज़्यादा फाइल गोड़ने वाले होते हैं ना, और अधिकारी होते हैं उसमें जो नोटिंग लिखते हैं जो करते हैं। बहरहाल वो दुर्भाग्यपूर्ण चैप्टर है मेरी लाइफ का, और मैं इस बारे में अपनी किताब में बहुत खुलकर, मैं अपनी जीवनी भी लिखूंगी, बहुत खुलकर लिखूंगी इस बारे में, क्योंकि मैं नहीं समझती कि कोई भी व्यवस्था है जो इस तरह चल सकती है। और अगर हमारे लोकतंत्र में कमियां हैं तो इन कमियों को दूर होना चाहिए, दूर होना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मतलब ये जान के मुझे अभी इतना लग रहा है कि मतलब अभी तक आपका वो केस सर्वाइव हो रहा है, अभी तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। चार्जशीट ही नहीं फाइल हो पा रही है, सोच सकते हैं आप,
चार्जशीट फाइल होती है, फिर कहते हैं कि इसका नाम निकाल दो, कहीं मर गए उसमें से। लेकिन अगर ईमानदारी से होता तो 14-15 पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे। अरे आप लोगों ने टीवी ने 200 घंटे का कवरेज दिया था उसको, मेरे घर को जलाकर जो मुझे जेल में डाला, सबका प्रमाण है कौन कौन अधिकारी वहाँ गया, कैसे गया, फोन के रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन वो दबा दिया जाता है तो क्या किया जाए। अच्छा, आप अभी कुछ समय ये यहाँ पर बाल कल्याण और आपका पर्यटन विभाग आपको दिया गया था, उस टाइम की आपकी कोई उपलब्धि मतलब क्या रहा उस टाइम? देखिए मैं कहूँगी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत काम किया और बहुत ही दूरदृष्टा के साथ काम किया। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये, क्योंकि कभी मंत्री नहीं रहे, कि प्रशासन को, वो भी यूपी जैसे उदंड व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करेंगे। लेकिन जब मैंने इनको काम करते देखा तो मैंने देखा कि इनको अपना एक तो व्यक्तिगत कोई सरोकार नहीं था, सिर्फ कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि पर्यटन एक ऐसा माध्यम है जिससे सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न होता है। फिर उन्होंने कहा ODOP, उत्तर प्रदेश का जो टेक्सटाइल, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, हस्तकला, उसका आपको पता ही होगा कि पूरे जो दुनिया में निर्यात होता है हस्तकला की वस्तुएं, 60% उत्तर प्रदेश की हैं, सारी जानी मानी चीज़ें। तो उन्होंने ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद पे जोर दिया। उन्होंने टूरिज्म पे बहुत जोर दिया और किस्मत से मैं मंत्री थी तो अनूठे काम किए। आप देखिए, आपका अयोध्या में दीपोत्सव, हम लोगों का मथुरा में रंगोत्सव, और जिस तरह से उन्होंने बनारस के घाटों को, प्रयागराज की में कुंभ को आयोजित कराया, वो लैंडमार्क्स हैं, दीज आर द लैंडमार्क्स। और जिस तरह से देखिए उन्होंने सरकारी नीतियों को उत्तर प्रदेश में लागू किया, केंद्र सरकार की, कि आज जो हम लोग 17वें, 18वें, 20वें पायदान पे रहते थे, आज मोदी जी ने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़कर प्रतिनिधित्व करके जहाँ इसको महत्व दिया, वहीं केंद्र की नीतियों को, मोदी जी के सपनों को उत्तर प्रदेश में साकार करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत मेहनत करी है। और एक टूरिज्म मिनिस्टर के रूप में मैं कह सकती हूँ कि जितना शायद 40 साल में इससे पूर्व सोचा नहीं गया होगा टूरिज्म के लिए, चाहे वो बुद्ध सर्किट हो, चाहे वो हमारा जो है भोले बाबा की नगरी वाराणसी का सौंदर्यीकरण हो, या प्रयाग का कुंभ हो, या फिर वो हमारे लखनऊ की विरासत को सुदृढ़ करना हो, या फिर वो मथुरा के रंगोत्सव के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने की बात हो, या फिर संत रविदास जी की भूमि को एक पर्यटक स्थल बनाने की बात हो भाई। और गोरखपुर में इतनी बड़ा जो वहाँ पर तालाब था, जिसको कि कहते हैं कि विश्व का वन ऑफ द बिगेस्ट तालाब है, बड़ा तालाब है, वहाँ पर जो पर्यटन की फैसिलिटीज करी, अगर ये 1.5 साल कोविड से ना गिरे होते तो अब तक मेरे ख्याल से गोरखपुर एशिया के सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटेड नगर होता, इतना वहाँ पर वाटर स्पॉट्स की व्यवस्था की जा रही थी। सी मैन विद अ विजन, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो यही है कि उन्होंने ये भी कुछ विलेज टूरिज्म को, वो वेलनेस टूरिज्म को, सबको बढ़ावा दे रहे थे। मुझे दुख है कि मैं 5 साल नहीं रही टूरिज्म मिनिस्टर, वरना उनका काफ़ी हाथ बटा सकती थी इसमें। अच्छा मैम, आप हम अभी ये जो शिला मतलब ये सारी जो इन्होंने परियोजनाएं जो चलाई हैं योगी जी ने, अभी कुछ अपोजिशन पार्टी वाले ये कहते हैं, उनका कहना ये है कि जो योगी सरकार है वो शिलान्यास पे शिलान्यास कर रही है, मतलब उनका कहना ये है कि उनका कोई नया अचीवमेंट नहीं है, जो पुराने जो हमारे अचीवमेंट थे उन्हीं पे ही अपना बस शिलान्यास। देखिए सरकारें एक के बाद एक चलती हैं, रिले रेस जी। और ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी सरकार ने कुछ नहीं किया जी। लेकिन गति नापी जाती है कि गति किसकी अच्छी रही। जैसे मुख्यमंत्री जब गतिमान होने की बात होती है तो बहुगुणा का नाम आज तक आता है कि 2 साल के अंदर उसने इतनी गति दी जितनी लोग 5-10 साल में भी नहीं दे सकते थे। योगी जी ने मोदी जी के संरक्षण में, उनके गाइडेंस में, उन्होंने जो गति दी उत्तर प्रदेश को कि उत्तर प्रदेश को विश्व में स्थान मिलने लग गया, तो यहाँ का जो गवर्नेंस का पैटर्न था उसको योगी जी ने बहुत अच्छे से चलाया। आप खुद देख लीजिए, सोच लीजिए कितने नए एयरपोर्ट्स,
एक्सप्रेसवेज, कितने सारे शुगर मिल्स को देखो, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन सर्वाधिक होता है पूरे देश में, पूरे देश का शायद 40% चीनी यहीं से उत्पादित होती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और गन्ना तो सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी का होता है। गन्ना मूल्यों को निर्धारित करना, गन्ना इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करना, बंद गन्ना मिलों को फिर से शुरू करना, बिजली घरों को ठीक करना, बिजली घरों को ठीक खड़ा करना, जिस उत्तर प्रदेश में आप और हम सब यहीं के हैं, जनरेटर के बिना आधा दिन हम चल नहीं पाते थे, हर घर का बिल 5 लीटर 4 लीटर डीजल रोज हम फूकते थे, वहाँ 24 घंटे 18 घंटे बिजली कहीं सुनाई देता है? जनरेटर शहरों से जनरेटर गायब हो गया। जिस तरह से वनीकरण किया गया, करोड़ों पेड़ लगाए गए, जिस तरह से इलाहाबाद का कुंभ 24 करोड़ लोग आकर चले गए और वहाँ एक कतरा गंदगी का नजर नहीं आया, ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज। तो मैं ये सोचती हूँ गंगा का जल इस बार में माघ मेले में भी बड़ा शुद्ध रहा, तो सारी योजनाओं को देखो एक दिन में रातों रात बदलता नहीं। हेल्थ सर्विसेज को कितना स्ट्रेंथन किया उन्होंने, यहाँ डॉक्टर्स नहीं थे, वॉक इन डॉक्टर्स के हज़ारों ने डॉक्टर्स लाए गए, नर्सेज लाई गई। अगर मैं फिर कहती हूँ 1.5 साल खराब ना होता तो हम हर जगह टॉप पे पहुँच गए होते, लेकिन आज भी चाहे वो शौचालय बनाने की बात हो हम सबसे आगे हैं, चाहे वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, वो सबसे तेज़ उत्तर प्रदेश में उसको खिताब मिल चुका है, बेस्ट स्टेट है, यहाँ पर रेड टेपिज़म कम हो गया है, यहाँ पर लोगों ने निवेश करना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पर बिजली बहुत अच्छी हो गई है। तो मैं यही कहूँगी कि डेवलपमेंट के सारे सड़क पानी बिजली तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, सड़क और बिजली का तो हो गया काम, पानी का चल रहा है, जल शक्ति विभाग जो है प्रधानमंत्री का जो सपना है हर गल नल का और सिंचाई को बढ़ाने का वो उत्तर प्रदेश में तेज़ी से चल रहा है। अगले आप देखिएगा, देखो योगी सरकार वापस आएगी, भाजपा की सरकार वापस आएगी और अगला 5 साल उत्तर प्रदेश के लिए स्वर्णिम होगा, क्योंकि ये जो काम अभी थोड़े से कम हैं ये पूर्ण होंगे और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की सूरत बदल रही है और बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा मैम, आप पहले राज्य स्तर से जैसे लोगों की जनता के मुद्दों को उठाती थी, अब केंद्र स्तर से लोगों के मुद्दों को उठाती हैं, तो कैसा लगता है आपको कि मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है? देखो जब हम मेयर से विधायक बने तो वो अंतर था जो नर्सरी से 6वीं क्लास में आने का होता है, और जब हम पार्लियामेंट पहुँचे तो वो अंतर है कि स्कूल से कॉलेज में जाने का। तो आप अब समझ लो कि हम इस समय उस सदन में हैं जहाँ देश के सबसे ज़्यादा ज्ञानी विद्वान अनुभवी लोग हैं और जहाँ से पूरे राष्ट्र की नीतियों को निर्धारित किया जाता है, कानून बनते हैं, तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि वहाँ बौद्धिक स्तर पर काम करने को बहुत मिलता है और पूरे देश के बारे में जानने का अवसर मिलता है। तो हर जगह का अपना महत्व है और मुझे बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने तीनों स्तर, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने स्थानीय निकाय में भी मतलब प्रदेश की राज में भी एक MLA के रूप में मेयर MLA MP तीनों हो लेना बहुत सौभाग्य का एक है मामला। आपको अभी एक बहुत ही दो महत्वपूर्ण समिति का सभापति बनाया गया है जिसमें हिंदी भाषा को लेके और उसके प्रचार प्रसार को लेके बहुत सारी मतलब उसमें आप किस तरीके से अपना सामंजस्य बता रही हैं? देखिए राजनीति से बाहर मुझे सबसे अच्छा जो काम करने का अवसर मिला वो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिला था, जब मैं जब इलाहाबाद की महापौर थी तो मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना सलाहकार बनाया था स्थानीय निकाय के मामले में, तो लोकल गवर्नेंस की अथॉरिटी उन्होंने बनाया था, एक एडवाइजरी बोर्ड सलाहकार बोर्ड बनाया था, उसमें मैं कुल पूरी दुनिया से 6 मेयर लिए गए थे, पूरी दुनिया से एक महाद्वीप से एक और एशिया से मुझको चुना गया था और मैं इकलौती महिला थी उस पूरे बोर्ड पर। तो UNDP का ये सलाहकार बोर्ड था, वहाँ मुझे काम करने का बड़ा मौका मिला, 25 से 30 देशों में मुझे स्थानीय निकाय के प्रति के मंच पे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, मुझे उसको प्रिजाइड करने का अध्यक्षता करने का अवसर मिला, फिर महिलाओं के जब आपको मालूम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 10-10 साल पर जो है वो विमेंस डिकेड होता है, उसमें मैंने बीजिंग +10 का मैं ड्राफ्टिंग कमेटी पर थी, तो महिला और स्थानीय निकाय में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मैंने 5 साल काम किया
और मुझे उन्होंने 2002 में खिताब दिया, द मोस्ट प्रॉमिसिंग वुमन मेयर ऑफ साउथ एशिया, दक्षिण एशिया की सबसे प्रतिभाशाली महिला महापौर, छोटे से प्रयागराज की महापौर, मेट्रोपॉलिटन नहीं, कैलकटा, दिल्ली, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, चेन्नई नहीं, प्रयागराज, इलाहाबाद, तो कितने गर्व की बात है। लेकिन अब मुझे जो काम मिला उसमें एक समिति तो है जो सैलरी एंड अलाउंसेस की कमेटी है, तो जो विसंगतियाँ होती हैं हमारे जो रिटायर्ड एमपीज हैं या जो वर्तमान में हैं, अगर उन्हें लगता है कि कोई विसंगतियाँ हैं तो उनको हम प्रस्ताव बना के भेजते हैं सरकार को। एक तो ये, और अभी हमारी कमेटी ने सबसे जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया वो यही था कि हम अपनी वेतन में भी कोविड के दौरान 30% की कटौती स्वीकार करते हैं, और हम लोगों ने अपना जितना सांसदों से कमेटी ने बात करके कि हम अपना जो फंड है वो हम सरकार को समर्पित करते हैं। तो ये हमारी कमेटी की का एक महत्वपूर्ण निर्णय इस बार रहा है। लेकिन दूसरा राजभाषा समिति की के अध्यक्ष हमारे अमित शाह जी हैं, राजभाषा समिति की ये एक अधिनियम के अंतर्गत बनी है 1976 में, तो जो गृह मंत्री होते हैं वही उसके प्रधान होते हैं, और उसमें 3 उप समितियाँ होती हैं, 1, 2, 3, और 30 सांसद होते हैं। तो एक समिति की चेयरमैन, एक समिति की संयोजिका मैं हूँ, और उस मेरे पास करीब 16 मंत्रालय हैं। उन 16 मंत्रालयों में हिंदी का काम अधिनियम के अनुरूप हो रहा है कि नहीं, इसका हम निरीक्षण करते हैं। और आप जान के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि कोविड होते हुए भी अभी मुश्किल से 2 साल हमें हो रहे हैं, हमने करीब 225 कार्यालयों का निरीक्षण किया है, केंद्रीय कार्यालयों का, और यही देखते हैं कि क्योंकि ये था कि केंद्रीय कार्यालयों को मतलब भारत को 3 भागों में बांटा गया, क ख ग, तो क वो प्रांत हैं जो पूरा हिंदी के हिंदी भाषी हैं। जब हमारा देश बना, जो राजभाषा आया, तो पूछा गया राज्य कि आप किस भाषा में काम करना चाहेंगे, उनके पास विकल्प हिंदी और अंग्रेजी में था, यही विकल्प हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता था कि या तो राजकीय काम हिंदी में होंगे, अंग्रेजी में होंगे मुख्य रूप से, और आपके क्षेत्रीय भाषा में। तो जो हिंदी भाषी थे उन्होंने काम बिल्कुल हिंदी में करेंगे 100%। जो बस का जो खत है उन्होंने कहा कि हम आधा हिंदी में करेंगे, आधा इंग्लिश में करेंगे, नहीं इंग्लिश में नहीं, आधा हिंदी में करेंगे, आधा अंग्रेजी में या क्षेत्रीय भाषा में करेंगे। और जो तीसरे तो उन्होंने कहा हिंदी में हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ अंग्रेजी और अपनी भाषा। तो हम बस इतना ही देखते हैं जाके कि केंद्र के जो नियम हैं अधिनियम उनके अनुरूप ये काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जिसने ये भी मना कर दिया कि प्रदेश ने कि हम हिंदी को बिल्कुल नहीं अपनाएंगे, वहाँ के लिए भी कुछ नियम हैं कि जो केंद्रीय कार्यालय होंगे, केंद्रीय कार्यालय वो जो अंदरूनी काम करते हैं, जब उनको राज्य से बात करनी होगी वो उनकी भाषा में बात करेंगे या अन्य लिखा पड़े, पर अंदरूनी काम में हिंदी को प्रोत्साहित करेंगे। तो हम उतने निरीक्षण करते हैं और अच्छा काम चल रहा है। सबसे आगे रेलवे जा रहा है, रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है जी। आगे जी। हाँ नहीं तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हिंदी को भी, क्योंकि हिंदी कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, अगर आपको उसके प्रचार प्रसार के रिगार्डिंग आपको अगर बोला गया तो बहुत अच्छा है, और आप किस तरीके से मैनेज कर रही हैं बहुत बहुत अच्छी बात। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन आया है तो अपनी राष्ट्रीय जो भाषा है उसके प्रति काफ़ी लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई है, क्योंकि सदन में भी जो काम ज़्यादातर अंग्रेजी में होते थे वो अब उसमें हिंदी का उपयोग बहुत होने लगा है। तो देखिए, कोई भाषा लादने की बात नहीं है, भाषा का विस्तार जो है वो सरलता से भी किया जा सकता है। तो हम लोगों ने जो ऑप्शंस दिए हैं उस ऑप्शंस के अनुसार ही काम हो रहा है, और कोई मंशा सरकार की किसी भाषा को ज़बरदस्ती लागू करने की नहीं है, पर हिंदी के प्रति लोगों का जो थोड़ा सा आकर्षण है वो बढ़ रहा है, और सरकारी कामकाज में उसका इस्तेमाल केंद्रीय में काफ़ी अच्छा हो गया है जी। अब हम अगर आपके आगे फ्यूचर, आगे भविष्य के कार्य योजना की बात करते हैं, तो आगे आपकी क्या योजना को लेके और क्या विचार है जो मतलब आप चाहेंगी कि आपके रहते ये सारी चीज़ें हों? देखिए, समय COVID-19 के साथ हम लोगों को जूझना है, संघर्ष करना है,
और इसमें सबसे बड़ी चुनौती आने वाले साल दो साल तक, क्योंकि कोविड जाने वाला नहीं है जल्दी, इसका प्रकोप कम होगा ज़्यादा होगा लेकिन ये रहेगा, तो इसको कैसे भगाया जाए। हमने तपेदक भगाया इस देश से, हमने इस देश से प्लेग को भगाया, हमने इस देश से चेचक को भगाया, हमने इस देश से बहुत बीमारियों को, पोलियो को समाप्त किया, तो क्या हम कोविड पे विजय पाएंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि ये एक ऐसा वायरस है जो म्यूटेट करता है, ये अपना रूप बदलता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि देश में एक सोच डिवेलप हो हम सब मिलकर कि इसको, कोविड को हटाना है सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं चाहूँगी कि इससे पूर्व कि मैं इस दुनिया को छोड़ूँ, ये कोविड इस देश से, इस दुनिया से चला जाए, दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। दूसरा ये जो अभी कह रहे हैं दूसरी तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी और इसमें बच्चों का प्रभावित करेगी, तो हम नेताओं का ही नहीं सारे समाज का एक कर्तव्य बनता है कि जो हमारे वैज्ञानिक हमको सलाह दे रहे हैं कि मास्क मत उतारो, सलाह दे रहे हैं कि हाथ को साबुन से धोते रहो, सैनिटाइज करते रहो, दूरी बना के रखो, इन 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 नियमों का हम पालन करें। बहुत ज़्यादा बहादुर बनने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है आप बहादुर हैं, आपको कुछ ना हो, लेकिन आप घर में जो वायरस लाएंगे, आपका बच्चा, आपके माता पिता हैं, आपकी पत्नी, वो उससे प्रभावित हो जाए। तो एक तो ये बच्चों की आपकी जो तीसरी लहर की संभावना है उसके लिए हम लोग डट के इस समय काम कर रहे हैं। अपने अपने क्षेत्रों में सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काम करने लगे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थोड़े सशक्त हो जाएं, कोविड बेड्स आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए। अभी तो बेटा एक ही फोकस है, इसके साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, बेरोजगारी, इसको समाप्त करने के लिए जो सरकार माध्यम निकाल रही है कि जो हमारा MSME है इसको हम बढ़ावा दें। बड़े उद्योगों से रोज़गार इतना नहीं मिलता, ज़रूरी है वो भी, लेकिन MSME जो हमारे एक देश की रीढ़ है उसको मजबूत करने का जो सरकार के संकल्प हैं, चाहे वो 20 लाख करोड़ का पैकेज हो जिसमें MSME को सबसे ज़्यादा दिया गया, या ODOP हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, स्थानीय आपके हमारे जो व्यवसाय हैं उनको जागृत करने की आवश्यकता है। फिर हमारे देखिए पूरी इकोनॉमी को अगर किसी ने बचाया है तो एग्रीकल्चर ने, कृषि ने। अगर कृषि का सब जगह गिरावट आ जाती है पर कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होती जा रही है और हमारी GDP को बचाए हुए हैं, तो कृषि पे विशेष ध्यान जैसा कि प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ऑल्टरनेट फार्मिंग हो और तरीके काम हो, पेस्टिसाइड्स कम यूज़ हो और जो किसान है उसकी आय दुगनी हो जाए, किसान को हर तरीके सहूलियत मिल जाए, तो ये किसान को, कृषक को मजबूत करना मैं सोचती हूँ इस सरकार की प्राथमिकता है। तो इस तरह से आप देखिए तो किसान को बचाना है, छोटे उद्योगों को बचाना है, फैक्ट्रीज वगैरह को बचाना है, फिर अपने रोज़गार के अवसर निकालने हैं। ख़ास तौर से मैं तो ये कहूँगी कि अगर स्वरोजगार की ओर हमारा देश बढ़े, वो वाइट कॉलर जॉब, क्लर्क बनने वाले जॉब से निकलना पड़ेगा। सरकारी नौकरी मात्र आप हमारे देश की इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते। और कितनी सरकारी नौकरी देंगे? हर वर्ष हमारी आबादी 2 करोड़ बढ़ जाती है, प्रतिवर्ष 2 करोड़ आबादी हमारी जुड़ रही है। वो व्यवस्था, वो सरकार, वो लोकतंत्र बता दीजिए जो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी या रोज़गार दे सकती है। 2 करोड़ में मान लीजिए कि रोज़गार वाले 50 लाख हों, तो क्या हर साल 50 लाख लोगों को रोज़गार सीधा सरकारी नौकरी से मिल सकता है क्या? तो रोज़गार का मतलब नौकरी नहीं होता है, तो अलग अलग तरीके से उससे जुड़कर आमदनी करने के रास्ते निकालने होंगे। और मैं सोचती हूँ मोदी सरकार और उनको देखा देख जो अच्छी राज्य सरकारें हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश, वही सोर अग्रसर हो रहा है। बस अंत में मैं आपसे चाहूँगी कि हमारे प्राइम TV के व्यूअर्स को एक मैसेज आप दें। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्राइम टीवी ने आज मुझे अपने विचारों को आप तक पहुंचाने का एक अवसर दिया। मैं आपसे बार बार ये कहूंगी, देश से बड़ा कुछ नहीं। राष्ट्रीयता का अर्थ ये होता है कि हम जिस दायरे में काम कर रहे हैं ईमानदारी से करें और जनहित के लिए करें। और वर्तमान में एक ही आपसे निवेदन है कि सब वैक्सीन लगाइए, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि टीकाकरण करिए। टीकाकरण से ही हम बड़ी बड़ी बीमारियों से इस देश को बचा सके हैं। और आज फिर वही दौर आया है कि ये बीमारी हमें नीलने को तैयार बैठी है और हमको इसको भगाना है, और टीकाकरण ही इसका एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। तो सब टीका लगवाइए, 45 प्लस तो वॉक इन है, जाइए लगा कर आइए। तो आज के प्राइम TV शो पर हमने शख्सियत में बात की
बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जी से, जिन्होंने अपने जीवन काल की बहुत ही लोकप्रिय चीजें हमसे शेयर करी। तो और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।